नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी के पेपर को आप फाइट कर सकते हो और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसा एग्जाम पैटर्न आएगा। और दोस्तों जो दोस्त नए हैं अपने चैनल पे, पहली बार नए आए हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस के आने वाली सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी के लिए आप अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे, इसको दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाली राजस्थान पुलिस के वैकेंसी की जानकारी। तो दोस्तों आप देरी ना करें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप इसे ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी की जानकारी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी दे दिया गया है, और इसमें जो पेपर आएगा रिटन एग्जामिनेशन का जो होगा, तो इसमें जो पेपर आएगा वो कुछ इस प्रकार है। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग लॉजिक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसके 60 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल नॉलेज जनरल साइंस करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन आएंगे, और जो क्राइम महिला एवं बाल उत्पीड़न उसके है जो 10 क्वेश्चन आएंगे, और जो इसमें दे रखा है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक कल्चर आर्ट ऑफ राजस्थान इसके 45 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन आएंगे उन, और इनमें जो टोटल मार्क है 75 मार्क की क्वेश्चन आएंगे। और जैसा कि दोस्तों आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो जैसा कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपके क्या क्या आएगा, जैसे क्रम परीक्षण, वेन आरेख, डेट आरेख। तो दोस्तों इसकी PDF है, तो मैं आपको चाहे तो आप मैं सेंड कर दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में आप इसकी PDF मिल जाएगी। और उसके बाद में जैसे आपको यहाँ पे नीचे आना है, और जैसा कि यहाँ पे राजस्थान की सामान्य जानकारी में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो राजस्थान के इतिहास में जैसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, गुर्जर प्रतियार, चौहान वंश, गुहिल वंश, राठौर वंश, कछुआ वंश, किस प्रकार से चित्रकला और बादशाह बोनिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे लोक देवी देवताओं के, तो आपको इनकी PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों राजस्थान पुलिस की आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी के लिए, राजस्थान खासतौर पर राजस्थान पुलिस और आर्मी की वैकेंसी की जानकारी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है यार। यहाँ पे लाल बटन है, इसे दबा के बेल आइकन जरूर दबा देना। और उसके बाद में मैं आपको बता दूँ, नीचे आना है आपको, और उसके बाद में कंप्यूटर परिचय में आपको जो कंप्यूटर के बारे में जो आएगी, विशेषता, कार्य प्रणाली, CPU, मेमोरी एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, पावर पॉइंट, इनके बारे में, एक्सेल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो सामान्य ज्ञान में वो आएंगे, साइंस संबंधी क्वेश्चन आएंगे, उष्मा, कार्य ऊर्जा, विद्युत, लेंस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इनकी भी आपको PDF में नीचे सेंड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से PDF इसकी ले लेनी है। उसके बाद में जो करंट अफेयर है, ज्योग्राफी करंट अफेयर में आएगी, सौर मंडल, वायुमंडल इनके बारे में आएगी, और भारत की स्थिति, भौतिक विभाजन, इनके बारे में आपके पास क्वेश्चन आंसर आएंगे। और क्या नाम से, जो अगर आप बात करें, खास इम्पोर्टेंट बात यह है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकथाम संबंधी कानून, बच्चों के विरुद्ध हिंसा रोकथाम संबंधी कानून, इनमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो जैसे बलात्कार, दहेज निषेध अधिनियम, शिशु हत्या, बाल विवाह अधिनियम 2006, और घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, महिलाओं और लड़कियों का घरेलू हिंसा से महिला, चाइल्ड रेप, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके, कन्या भ्रूण हत्या संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ लेना है और बढ़िया अच्छी तरीके से रीडिंग करके आपको अपना पेपर फाइट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और जैसे अपहरण का ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएंगे बच्चों का अपहरण, बाल वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इनको ध्यान पूर्वक पढ़ के एग्जाम दे देना है अपना दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि अगर आप राजस्थान पुलिस का पेपर देना चाहते हो तो इसमें आपको क्या क्या योग्यता चाहिए। बात करें क्या क्या आपको राजस्थान पुलिस की भर्ती की परीक्षा देना चाहते हो आप,
और आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि इसमें 2 घंटे का पेपर आता है, हिंदी इंग्लिश में पेपर आता है, तो आपको, और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट है, तो police.rajasthan.government.in ये वेबसाइट है इसकी। और जो दोस्तों इसमें बात करें उम्र की, तो इसमें एज 18 से 23 साल चाहिए अपने को, बाकी एज रिलेक्शन भी मिल जाता है। कॉन्स्टेबल के लिए 26 साल की उम्र लेते हैं इसमें। जो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर के लिए 10+2 पास होना अनिवार्य है। और जैसा कि बात करें कंप्यूटर, इसमें आपको RSC IT तो आपके पास होना ही चाहिए, और RSC MBC बटालियन के लिए आपको मिनिमम 8 पास होना चाहिए एनी बोर्ड। तो RSC MBC बटालियन के लिए आपको 8वीं पास होना चाहिए, और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इंटेलिजेंसी कॉन्स्टेबल के लिए आपको 10th पास या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। और बात करें इसमें दोस्तों कि राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड, आपकी हाइट कितनी चाहिए, तो जनरल मेल की 168 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर फीमेल की चाहिए, और बाकी जो शहरी क्षेत्र में आते हैं उनकी 160 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर फीमेल की चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो इसमें राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल में जो चेस्ट मांगते हैं मेल का, तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाए हुए 86 सेंटीमीटर चाहिए, और महिलाओं के लिए इसमें कोई ऐसे दे नहीं रखा है। और वेट चाहिए 50 के ऊपर वेट चाहिए, और महिलाओं के लिए 57 पॉइंट जो भी है वेट वो चल जाता है, लेकिन 45 से ज़्यादा होना, 57 से थोड़ा कम नहीं हो, ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें बात करें कि OBC है MBC के लिए आपको क्वालिफाई मतलब पास होने के लिए कितना सिलेक्शन होने के लिए कितने मार्क की जरूरत पड़ती है, तो आपको 40% मार्क तो लाने ही पड़ते हैं। बाकी SC ST के लिए, SC ST कैंडिडेटों के लिए 36% मार्क आपको लाने पड़ते हैं। तो अगर आप OBC में हो या जनरल में हो या MBC में हो, तो आपको 40% अंक लाना जरूरी है। अगर आपका पेपर 100 नंबर का रहता है, तो आपको 40% नंबर लाना जरूरी होता है। उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद में PST टेस्ट हो के आपके क्या नाम से इसमें दे रखा है। जैसा पे ग्रेड, सैलरी की बात करें, अगर इसमें अपन सैलरी की बात करें, तो इसमें शुरू में 5200 से 20190 यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। ग्रेड पे 2400 रुपये ग्रेड पे होता है, और टेक होम सैलरी 23,000 प्लस अलाउंस मिल जाता है इसमें। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो यार हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए आप एक छोटा सा सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, और अपने चैनल को अगर आप पहली बार नए दोस्त आए हो तो सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा, और अपना जो राजस्थानी मित्र रोजगार सेंटर के नाम से ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।